क्योंकि मार्केट ने खुद को अपने आप को फंसा लिया इस जगह पे, ना वो बुलिश एरिया में रह गई ना वो बेरिश एरिया में रह गई। अदरवाइज आप अगर उसको लास्ट तक 3.5-3 तक लेके जाओगे तो आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन द मिडल फंस चुकी है, तो अब एक तरीके सिंपल समझ लो, अगर मैं डेटा और प्राइस एक्शन देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कल की एक्सपायरी आपको बहुत हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू डे गाइस अगेन। और आज बहुत अच्छा दिन गया, हमने मतलब एक परफेक्ट एग्जिट किया। परफेक्ट एग्जिट समझते हो मतलब बिल्कुल लो पे हमने कॉल सेल को एग्जिट मारा, क्योंकि प्राइसिंग उसकी गिर नहीं रही थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको देखो चार्ट पे समझाऊंगा कैसे क्या हुआ। मार्केट फुल्ली रिवर्स कर गई उस जगह से जहां तक मार्केट गिरी थी। तो वेडनेसडे की ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिले, बट मोर देन इनफ थे, क्योंकि अगर आप नहीं निकलते तो आप पूरे के पूरे लॉस में भी जा सकते थे। तो चलो यहां पे भी देखो, मैं चार्ट में दिखाता हूं कैसे क्या हुआ। आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, एंड देन अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो देखो चार्ट में आपको मैं दिखाता हूं। मैंने जो एग्जिट बोला कि चार्ट को आप मतलब ट्रेड को एग्जिट कर दो, तो ये था एग्जिट द कॉल सेल्स एज प्रीमियम इज नॉट ड्रॉपिंग नाउ। ठीक है, ये 2:01 की बात है और 40 पॉइंट हमें उस टाइम पे मिल रहे थे। 2:01 अगर हम देखें तो क्या है, ये देखो बिल्कुल लो, मतलब जब मार्केट बिल्कुल अपने लो पे था उस जगह पे मैंने ट्राई किया कि आप सबको एग्जिट करा दूँ। इसका रीज़न क्या था, देखो रीज़न ये है कि मार्केट को हमने मतलब जो प्राइसिंग थी ना, 100 रुपये के आसपास की चीज़ हमने बेची, और 100 रुपये के आसपास की चीज़ लगभग 60-62 पहुंच गई। कब? जब मार्केट यहाँ पे थी। यू कैन सी कि जब मार्केट ना एक्चुअली इट वाज नियर टू 39,900 एरिया में, तब भी उसका प्राइस 62 रुपीज़ था। मार्केट जब ड्रॉप करके 850 गई तब भी उसका प्राइस 62 रुपीज़ था। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे ना सेलर्स उसको प्रेशर नहीं डाल रहे थे, मतलब वो जो स्ट्राइक थी उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा था। देखो किसी चीज़ का प्राइस कब गिरता है, जब उसको बेचा जाता है। अगर उसको बेचा नहीं जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है और प्राइसिंग में दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैंने एक बार चेक किया कि जब ये लो मारा मार्केट ने ये वाला, तब गिरा कि नहीं गिरा, तब भी नहीं गिरा उसका प्राइस। जब वापस से मार्केट ऊपर गई तो अब यहाँ पे गिरा, अब यहाँ पे थीटा इफेक्ट होना चाहिए ना, पर वो 58 रुपीज़, मतलब सिर्फ 2 रुपये दे रहा था एक्स्ट्रा आफ्टर दिस डिक्लाइन ऑल्सो। तो इसका मतलब था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसी चक्कर में मैंने सबको बोला कि इस जगह पे एग्जिट कर दो, और ये हमारा आज एक परफेक्ट एग्जिट था। और इस चीज़ से आपको मतलब काफ़ी कई बार देखने को मिलेगा कि आपको वेडनेसडे के दिन ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि यार मैंने ट्रेंड पकड़ लिया है, लास्ट तक रुकता हूँ, बट ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज की ट्रेड बहुत अच्छी थी। कल का जो हमारा एनालिसिस था उसके बिहाफ पे भी मार्केट एकदम परफेक्ट चली। ठीक है, परफेक्ट चली का मतलब यह है कि मैंने बोला था कि अगर इनके अलावा डायरेक्ट मार्केट इसके नीचे गिरी तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, और मार्केट वैसी की वैसी परफॉर्म की बेरिश में। एक चीज़ हमने कल और डिस्कस की थी कि जब नीचे आएगी ना मार्केट तो आपको बहुत परेशान करेगी। बहुत परेशान करेगी मतलब क्यों, क्योंकि नीचे से बायर्स हैं, और बायर्स जब नीचे से हैं और मार्केट उल्टा गिर रही है नीचे की तरफ, तो आपको ना क्लीन मूव नहीं मिलेगा। और वही हुआ आपके साथ, देखो क्लीन मूव नीचे की तरफ आ रहा था और बूम लास्ट आवर में पूरी की पूरी मार्केट रिवर्स करके ऊपर क्लोज कर गई। अब इस जगह से अगर आप मुझे बोलो कि रियांश मुझे ये बताओ कि मार्केट अब किस तरफ जाएगी, तो इवन आई डोंट नो, क्योंकि मार्केट ने खुद को अपने आप को फंसा लिया इस जगह पे, ना वो बुलिश एरिया में रह गई ना वो बेरिश एरिया में रह गई, इन द मिडल फंस चुकी है। तो अब एक तरीके सिंपल समझ लो कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे रेंज मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी। ठीक है, ओके तो कल एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी है तो हमें कुछ ना कुछ तो गणित लगाना पड़ेगा, वरना एक्सपायरी कैसे हम प्ले कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इंट्राडे में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ना बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप यहाँ पे थीटा गेनर्स को फॉलो भी करते हो टेलीग्राम पे, तो एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपको अगर मैंने कोई मैसेज डाला, एग्जिट का मैसेज डाला, या मैंने डाला कि मेरा व्यू ऐसा चल रहा है, तो आपको उस टाइम पे चीज़ें दिखें। तो आप ट्राई ये भी कर सकते हो कि इसका नोटिफिकेशन ऑन रखो जिससे आपको ये चीज़ें दिख जाए, वरना कई बार ऐसा होता है कि मैंने बोला कि व्यू बुलिश हो सकता है और मैंने ये सेल किया, फिर एक घंटे बाद मेरे से आप पूछो कि यार मैं सेल नहीं कर पाया, आप कर सकता हूँ क्या। इंट्राडे बहुत ही एक्टिव ट्रेडिंग होती है, आप एक घंटे बाद सेम व्यू कैसे पा सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा एक्टिवली काम करना पड़ता है, तब जाके काम बनेगा। चलो तो पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहले मैं डेली चार्ट लेता हूँ, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है ये देखते हैं। तो देखो डेली चार्ट में एक चीज़ बिल्कुल फाइनल है कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो उसने दो कैंडल बनाई ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, बट वही हुआ। मैंने बोला था कल जिधर को ब्रेक करेगा वो ट्रेड है, मार्केट नीचे को ब्रेक किया, एक अच्छा ट्रेंड दिया, 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ लेके गया मार्केट को, बट मार्केट रिवर्स इस जगह से 43,800 से वापस से क्लोजिंग उसकी 41,100 हो गई, मतलब 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, 1% ऊपर क्लोज हो गई। इसका मतलब ये जो एरिया ना नीचे की तरफ कहीं, यहाँ बायर्स हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे बायर्स हैं।
ये एरिया जो रिवर्सल एरिया है 5 मिनट में आप देखोगे बिल्कुल वी शेप में, तो इसका मतलब जो नीचे का एरिया होगा वी शेप का वो बायर्स का एरिया है, तो हम वहाँ पे पक्का लाइन खींच सकते हैं, हमारे लिए वो एक सपोर्ट जोन की तरफ काम करेगा। तो हम 15 मिनट में गए, 15 मिनट में मैंने ये जो अपनी लाइन थी ना इसको ऊपर खिसका लिया थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे मेरे लिए ये बायर्स जोन है, यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं। अब जब इन बायर्स का एसएल कटेगा तभी मेरे लिए मार्केट बेरिश होगी, ठीक है। तो इन बायर्स का एसएल कहाँ होगा, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे कहीं पे एसएल होगा, तो मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा फॉर गोइंग टू बी टोटली बेरिश। ओके, ऊपर की तरफ आप मैं आपको देखूँ तो ये जो एरिया है देखो मार्केट डायरेक्टली कहाँ से ड्रॉप करी, इस जगह से सीधा का सीधा, ये तो रेजिस्टेंस क्रिएट ही हो गया, देखो 2-4 बार मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप करी, ऊपर आई, देन अगेन सेल। तो मार्केट अभी किस जगह फंस गई, इस जगह पे। यहाँ पे ट्राई भी देखो कि ये मार्केट ने 44,300 तक जाने का, बट क्लोजिंग कहाँ हुई, 150 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं किसी एरिया में सेलिंग चल रही है इस जगह एरिया में। तो हम ऊपर की तरफ एक रेंज खींचते हैं, मैं इस लाइन को थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, समथिंग लाइक इस एरिया में, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको एक पूरा जोन बना सकते हो, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं थोड़ा इसको ऊपर रखूँ, एसएल के थोड़ा ऊपर। तो अब आप देखो यहाँ पे एक रेंज बन गई, रेंज क्या कहती है, ये और ये एरिया, मतलब 44,850 से लेके 44,300 का एरिया, 350 का एरिया, ये जो एरिया है ना ये बेसिकली एक वेरी चॉपी एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 400 पॉइंट मिल रहे हैं, 400 पॉइंट का एरिया है इन टोटल, मतलब आपके पास अगर 200 पॉइंट का स्ट्रगल है तो आप कल बच जाओगे, बट क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कल आपका जो मतलब विक्स है ऑलरेडी अराउंड 11-12 चल रहा है, आपको 130 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड की मैं मिला भी लूँ तो 260 रुपये होते हैं, तो मतलब आप सिर्फ इस जगह से यहाँ से 260 इधर और 260 इधर सेफ हो, बाकी आप बिल्कुल अनसेफ हो, ठीक है। तो कल जो ट्रेडिंग हो सकती है, मुझे लगता है स्ट्रैंगल विल प्ले बेटर देन स्ट्रैडल्स, क्योंकि आपको एक बड़ी रेंज को कवर करना है एंड आपको बहुत ही तरीके से प्ले करना पड़ेगा। तो तरीका देखो मैं आपको थोड़ा जो चीज़ें बता सकता हूँ, मार्केट आज ऊपर आया, मार्केट अगर ऊपर आया तो इसका मतलब 44,000 पे सब लोग शिफ्ट हो गए होंगे, जो पुट सेलर्स होंगे ना उनकी हाईएस्ट ओआई 44,000 पे चली गई होगी, तो 44,000 पे चली गई होगी, राउंड फिगर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 44,000 पे चली गई है। तो अब इनका ना 100 पॉइंट नीचे ही पूरा का पूरा एसएल होगा, पैनिक सेलिंग कहाँ पे होगी, 44,900 के आसपास। तो आप बस इतना समझ लो कि अगर मार्केट 44,900 ब्रेक करे तो आपका बेरिश सेशन चालू हो जाएगा। तो मैंने अगर इस जगह पे कहीं पे स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल खोला, स्ट्रैंगल या स्ट्रैगल खोला, तो सिंपली ये समझ लेना कि मार्केट इसके नीचे बेरिश है, तो आपका स्ट्रैडल आपको होल्ड कहाँ तक करना है, 43,900 तक। तो अब आपकी रेंज थोड़ी सी छोटी कर दूँ मैं, ये लो मैंने थोड़ी सी रेंज छोटी कर दी, इसको मैं लेके गया 43,900 तक, ये लो। ऊपर की तरफ आप देखोगे कि मार्केट अभी 150 के आसपास है, तो ऊपर की रेंज जो 300 पे, क्या मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, नहीं, क्योंकि जो अगला राउंड फिगर है वो 44,500 है, तो इसका मतलब मार्केट 44,500 से लेके 44,000 के बीच में कहीं भी घूम सकती है। तो हम उस ऊपर की तरफ का जजमेंट नहीं कर सकते, बस नीचे की तरफ का जजमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि 44,000 पे जो पुट सेलर्स होंगे वो लोग 44,900 तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनको पास ज़्यादा प्रीमियम नहीं, जिन लोगों ने आज क्रिएट किया उनके पास तो और प्रीमियम नहीं है। तो सिंपली ये नीचे की तरफ हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग एरिया है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप सिंपली ये सोचो, देखो कल फ्लैट खुला, अगर ये फ्लैट खुला तो मेरा सबसे पहला जो गो थ्रू ऑप्शन होगा, मैं 5 से 10 मिनट की कैंडल छोड़ूंगा, मतलब 9:15 से 9:20 और 9:20 से 9:25, ये दोनों छोड़नी है आपको, और फिर उसके बाद ये कॉल और ये पुट बेच देना है, सिंपल, ये कॉल और ये पुट बेच देना, ये उनके लिए जो बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। इसको बेचने के बाद आपको बस इतना याद रखना है, आप नॉर्मल डेल्टा न्यूट्रल इसको करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप बस MTM SL रखना अपना 0.8% 0.7% ऑन कैपिटल, वो आए एग्जिट कर देना, ट्रेड को 2 बजे के पहले निकाल देना, आपको कोई टेंशन नहीं। देखो 11-12 के विक्स में अगर 2 बच चुके हैं तो इसका मतलब अंत में कुछ नहीं बचने वाला, वो ऐसे एंड हो चुका है, आपके पास 2-4-10 रुपये होंगे, उसमें क्यों फंसना है, ठीक है। तो आपको सिंपली स्ट्रैंगल बेच देना है ये दोनों, और आपको कोई टेंशन नहीं रखनी, स्ट्रैंगल वगैरह काटने कब है, अगर मार्केट नीचे आता जाए और इसको ब्रेक कर दे, सिंपली आप कॉल रख सकते हो, पुट हटा सकते हो, या फिर कॉल को और नीचे लाते जा सकते हो, और धीरे धीरे करके स्ट्रैडल बना दो इस एरिया में, तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी फंसी हुई है दोनों तरफ से। तो कल मुझे लगता है कि साइडवेज में आपका काम बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट में मूवमेंट आने वाली है, ओके। तो फ्लैट खुलने का तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे टाइम पास करके इसको ब्रेक करेगी तो इट्स अ वेरी गुड मूव, नीचे की तरफ गई इसको टाइम पास करके इसको ब्रेक करेगी तब भी वेरी गुड मूव नहीं आएगा, क्योंकि 43,500 के नीचे मार्केट जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 200 पॉइंट है, इन 200 पॉइंट में अगर आप कुछ प्ले कर सकते हो, आपके पास अच्छी प्रीमियम है तो बात है, अदरवाइज फ्लैट का एरिया मैंने आपको बता दिया कैसे प्ले करना है। अब देखते हैं गैप अप और गैप डाउन। देखो ये जो मूव आया ना, यहाँ पे ये जो बायर्स हैं, ये एरिया पूरा का पूरा बायर्स का था, अब इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको जहाँ से तकलीफ क्रिएट होगी मार्केट का मूव वहाँ से क्रिएट होगा। तो अगर मार्केट इस जगह पे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ नीचे खुल गई तो ये सबके सब मारे जाएंगे, अगर ये सबके सब मारे गए तो ये पैनिक में ट्रेड क्लोज करेंगे और आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी विद इन 10 मिनट्स
ऑफ ओपनिंग अगर मार्केट गैप डाउन हुआ जस्ट लाइक दिस, आपको दिख रहा है मार्केट इन सबको फंसाया उसने, नीचे खुली, इन सब ने पैनिक में ही एक पूरी की पूरी बड़ी कैंडल क्रिएट कर दी। तो ये जो पहली कैंडल है ये क्रिएट हो गई अगर, तो इस कैंडल के बाद आपको जस्ट वेट करना है। इस कैंडल के बाद ये जो वेट है ना, इस कैंडल के वेट के बाद जिधर को मार्केट ब्रेक करेगी उधर को मार्केट जाएगा, सिंपल एज दैट। इसमें कुछ भी प्लान मत करना, जो मैंने बोला बिल्कुल ध्यान से ही सुनना। मैं वैसे भी देखो टेलीग्राम पे सब कुछ बता देता हूं, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंट्राडे का सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। अब अगर इसके अपोजिट में हम बात करें, इसके अपोजिट में बात करें कि मार्केट ऊपर की तरफ, तो अब देखो मैं आपको देखूँ मार्केट ऑलरेडी ऊपर को जा चुकी है, तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि गैप अप हुआ तो 44,500 वाले जो कॉल सेलर्स होंगे वो वहाँ पे खास पैनिक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अगर ऊपर से बेच रखा उनके पास अच्छी प्रीमियम है। अगर मार्केट ऊपर को आई तो वो थोड़ी देर झेल सकते हैं, तो मार्केट को गैप अप खुलने के बाद गिरने के भी चांसेस है। तो गैप अप का मैं कल मार्केट ओपन होने के बाद ही कुछ डिसाइड कर सकता हूँ, बट गैप अप में बहुत सारे सिनेरियो हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ पे डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इग्नोर गैप अप वाला पार्ट, उसको जब मार्केट कल खुलेगी तो हम तब डिस्कस कर सकते हैं, तब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब हम निफ्टी पे चलते हैं। देखो निफ्टी पे गए, निफ्टी ने नॉट एज मच ऑफ बैंक निफ्टी वैसा परफॉर्म नहीं किया है, निफ्टी ने सिंपली अपना वही फॉर्म रखा जो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर निफ्टी गैप डाउन खुला तो मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, तो सिंपली यू कैन सी देयर वाज नो ट्रेड, ये कोई ट्रेड नहीं थी, आप इसमें फंसने ही वाले थे, क्योंकि उसने ऊपर बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये फंसाया इन सबको, अब नीचे को मार्केट खींचेगी, खींची, यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स ने वापस से उसको पुश किया, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो मार्केट ना निफ्टी यहाँ और यहाँ के बीच में फंस चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है, और एक्सपायरी में इतनी बड़ी रेंज आपके काम नहीं आएगी, यू विल नॉट गेट एनी डायरेक्शनल मूव। तो अगर आपके पास कोई प्रीमियम आपको मिल रही है, ये 150 पॉइंट नीचे का ये है, 150 पॉइंट नीचे का ये, आपको ये दोनों बेच देने हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल निफ्टी में ज़्यादा बेटर काम करेंगे, और बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा बहुत कुछ मूव मिल सकता है। तो इन माई ओपिनियन अगर मैं डेटा और प्राइस एक्शन देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कल की एक्सपायरी आपको बहुत परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर बहुत परेशान नहीं करेगी इसका मतलब हम कल अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से करना, 2-2.5 बजे तक अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो प्लीज़ लेके उसको एग्जिट कर जाना और अब इन्जॉय करना, अदरवाइज आप अगर उसको लास्ट तक 3-3:30 तक लेके जाओगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। तो आज जिसने भी सही एग्जिट किया आज इन्जॉय करो, क्योंकि आप फंस सकते थे, ठीक है, और इससे जो भी सीखने को मिला आपके लिए बेहतर बात है। जो मैं डेली समझाता हूँ अगर उससे आप कुछ सीख रहे हो, आपको बढ़िया लग रहा है, आप सही समझ रहे हो उसको, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को बोलना कि सब्सक्राइब करें अगर वो ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड काम करते हैं। तो मेरी साइड से तो वीडियो खत्म हो गया है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना। जो लोग भी इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें मतलब इंट्राडे वाइज चीज़ें सीखनी है, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू फुल्ली डिक्टेट करता हूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो आप सीख सकते हो, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आप यूट्यूब पे जाना, मैंने कई सारी सीरीज़ वगैरह बनाई हैं फॉर अ बिगिनर पर्पज, आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करना, दोस्तों में भी बांट सकते हो अगर आपको लगता है कि वो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड और ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।